रामलीला में हो गई महाभारत। प्रियंका चोपड़ा की स्टेज पर एंट्री क्या हुई? लगता है करीना कपूर ने भुला दिया है हेरोइन के सेट पर रिसेंटली पीसी से हुआ अपना पैच अप। जी हाँ, बात हो रही है संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला की, जिससे करीना की एग्जिट और फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर प्रियंका की एंट्री ने दोबारा इन हीरोइंस की राइवलरी को हवा दे दी है, क्योंकि करीना ये बताने आ गई हैं कि उन्हें निकाला नहीं गया बल्कि उन्होंने खुद छोड़ दी है रामलीला। I walked out of रामलीला। प्रियंका से खुद के रिप्लेस होने की खबरों ने बेबो को इस कदर परेशान कर दिया। प्रियंका से रिप्लेस होना बेशक बेबो के लिए एक बड़ी हार साबित होती, इसलिए करीना ने सफाई देते हुए कर दिया है रामलीला का सबसे बड़ा सीक्रेट आउट। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। और वो राज है, 150 नहीं बल्कि 100 डेज दिए थे बेबो ने भंसाली की फिल्म के लिए, और बाकी के 50 डेज के लिए रखी थी कंडीशन कि अगर इन 100 डेज में फिल्म कंप्लीट नहीं हुई तो उन्हें नेक्स्ट 50 डेज के लिए अलग से पेमेंट की जाए। रिपोर्टेडली भंसाली पहले तो करीना की इस कंडीशन के लिए राजी थे, लेकिन बाद में इस कंडीशन से पीछे हट गए। बस बेबो का कहना है कि उन्होंने इसी वजह से एक हफ्ते पहले ही भंसाली की फिल्म छोड़ दी। लेकिन अब जब पिछले दो दिनों से करीना के प्रियंका से रिप्लेस होने की खबरें मीडिया में आई हैं, तो करीना को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। उस पर ये स्पेकुलेशन भी किया जा रहा है कि करीना सैफ के अक्टूबर में होने जा रही मैरिज भी रीजन है जिसकी वजह से करीना को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाकर प्रियंका को साइन किया गया है, इसलिए बेबो ने किया है पलटवार। My not doing this film has nothing to do with my wedding. Everyone knows Saif and me have been together in a relationship for the last 5 years, and such stories about me being replaced because I'm getting married floated by the PR machineries on an overdrive. लगता है PR machineries का नाम लेकर एक बार फिर बेबो ने PC की तरफ वैसा ही इशारा किया है जैसा करण जौहर कर चुके हैं। Recently करण ने भी प्रियंका की PR machinery को अपना target बनाया था जब PC के एक close source के नाम पर Star Wives पर निशाना साधा गया था। लेकिन अब करीना के भी करण जैसे रिमार्क के बाद तो ये साफ है कि पीसी ने बेबो के जिन जख्मों पर रिसेंटली हेरोइन के सेट पर विजिट करके मरहम लगाया था वो दोबारा हरे हो गए हैं। मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं। द फैक्ट इज दैट आई एम बेसिकली ओनली इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी व्हिच इज बेसिकली व्हाट समवन एल्स इज डूइंग। यानी एक बार फिर ये बात क्लियर होती दिख रही है कि बॉलीवुड में कैट फाइट्स का कोई सलूशन नहीं है। कभी भी कोई रूमर आकर दो एक्टर्स के कंपटीशन को कैट फाइट में बदल सकता है, और लगता है इस बार भी ऐसा ही हुआ है जब संजय लीला भंसाली की रामलीला करीना के हाथ से निकलकर प्रियंका के पास चली गई है। ऐसे में पहले ही एक दूसरे के लिए राइवलरी दिखाती आई बेबो और पीसी के बीच थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Hi, this is Omar Qureshi. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7.